أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. कहते हैं कि हमारे यहां ज्यादातर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम हर चीज को बुरा बनाते हैं, हम हर चीज को उसके अंदर गलतियां निकालते हैं, लेकिन सीखने की बात नहीं करते। हम पाकिस्तान के इदारों की बात करें, हम पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें, या दुनिया में कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें या दुनिया में कहीं पे भी, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हर में से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो जाके उसको कह के यार फिक्स इस तरह कर सकते हैं, बेहतर इस तरह कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की बात जरूर करनी चाहिए। जहां आप क्रिटिसाइज करते हैं वहां पे आप कम से कम फिक्स करने की भी बात करें, क्योंकि आप किसी जगह पे आपको चीज कुर्सी बना दें, टेबल बना दें और उन्हें कहें यार इसके अंदर गलती बताओ, तो पूरा शहर आके आपको गलती बताएगा। या घर बना रहे हैं तो आप कहें यार बताएं यहाँ पे कहाँ गलती हुई है, तो सब आदमी आपको गलतियां बताएंगे, लेकिन आप उनको ये कहेंगे इसको फिक्स करके बताएं तो आपको फिक्स करके कोई नहीं बताएगा। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन की जरूर बात किया करें, क्योंकि ये एक अच्छी बात होती है। नासिर, अस्सलाम वालेकुम। नासिर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल नासिर को पूरा शहर दिखाया था। हाँ देख रहा था मैं तो, आप तो घुमा रहे थे गाड़ी को ऐसे ऐसे। हाँ मेरे कहा मैं वापस आ रहा था काम में, मेरे कहा यार मेरे कहा नासिर को बताऊं, नासिर ये देखो यहाँ पे नीली नीली आंखों वाली लड़कियां रहती है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज फिर फूल पकड़ा, कहीं लीली तो नहीं आ गई? नहीं यार लीली लीली यार आजकल नहीं, बस आजकल बस एक शरीफ बच्चा बना हुआ हूँ। बेगैर से बात किया कर, खामखा मार खुलवाएगा तू। इस उम्र में हड्डियां भी टूट जाएंगी। और डर लगता है यार, ना क्या कर। कोई बात नहीं भाई, भाई कोई बात नहीं है, आप भाई हैं हमारे बड़े। मैंने तेरे प्यार से कहा यार, दिल से नहीं कहा। आपने प्यार से कहा है भाई, हमको भी मालूम है। नासिर और मेरे खूबसूरत भाई कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। भाई भाई लाइव वीडियो लाइव नहीं आ रही आपके पास, मेरी क्या वजह है? आपकी वीडियो लाइव नहीं आ रही, क्या मतलब? वीडियो कॉल नहीं आ रही, बस वॉइस कॉल आ रही है। नहीं यार मैं तो आप मुझे नजर आ रहे हो। कहाँ नजर आ रहा हूँ मैं? अच्छा एक काम करो, मैं बताता हूँ क्या करो। आप वापस जाओ, टिकटॉक को बंद करो बिल्कुल, और अपने उसके अंदर जाके ना वो जो जितने भी एप्स खुले हुए हैं ना सबको बंद कर दो। उसके बाद दोबारा लाइव टिकटॉक ऑन करो और फिर आके लाइव पे आओ, तो आपका ये ठीक हो जाएगा मामला। तो सर ऐप पे, हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो बीच पे नासिर भाई आ गए थे तो बात थोड़ी सी इधर हो गई थी। कहने का मतलब ये होता है कि तनकीद करना बड़ा आसान है, आप किसी भी चीज के ऊपर लोगों को तनकीद कर सकते हैं कि यार ये गलत है, ये गलत है, हुकूमत ये गलत कर रही है, लेकिन हम लोग उसको फिक्स करने की बात नहीं करते। और एक और चीज बताऊं, जिंदगी की एक सबसे खूबसूरत चीज है, लोगों को अप्रिशिएट किया करो। अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है उसकी तारीफ जरूर किया करो, उसको एक्नॉलेज किया करो। क्योंकि देखिए ना, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और आपके पास रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और आपको कहता है कि पापा मैंने ये काम किया, अब्बा जी मैंने ये काम किया और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है, सेकंड मिला है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ओए तुम्हें सेकंड प्राइज मिला है, फर्स्ट क्यों नहीं मिला, और तुम नलायक हो।
कमान मैन, उसकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उसने अपना बेस्ट किया। उसे कहे वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी यार, तुम्हें आइसक्रीम खरीद के देते हैं, तुम्हारे लिए ये तोहफा है, तुमने बहुत अच्छी वो ली है, कोई बात नहीं, अगली दफा तुम फर्स्ट आओगे। सो व्हेन यू से, जब आप उसकी तारीफ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको गले लगाएंगे, उसको कोई तोहफा देंगे, तो कल के दिन क्या होगा, वो उससे बड़ा भी अचीवमेंट करेगा। एक सच्चा वाक्य आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा, आप ये जरूर सुनिएगा। सलाम वालेकुम भाईजन। वालेकुम अस्सलाम रूफी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आपका दुआ है, अल्लाह मालिक का करम है, चल रहा है भाईजन। अभी हम देखे, हम खोज रहे थे अपने भाई को, कहाँ मेरा भाई। ठीक रूफी, मैंने तुम्हारा अभी वीडियो एक वीडियो लाइक किया थोड़ी देर पहले ठीक कैसा है। अच्छा था? रूफी, हाँ बहुत अच्छा था, सुपर हिट मैन, सुपर हिट। अच्छा रूफी, एक बात खत्म कर लूँ फिर बात करते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये ओके मैं इसके ऊपर, मैं इस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा, मैं नासिर को भी कहूंगा मेरी बात सुने जरा थोड़ी देर के लिए ना। नहीं भाई, भाई नहीं हो रही, वो बोल रहे हैं कि आपके गेस्ट नोटिफिकेशन करेंगे तो फिर होगी लाइव वीडियो। क्या गेस्ट नोटिफिकेशन कैसे होती है मुझे बताओ ना, ठहरो मैं देखता ये हूँ। तो अभी आपको पता है, इतने पढ़े लिखे होते तो सऊदी अरब में होते, आप जैसे यूके में ना आ जाते या यूएसए में। क्यों क्यों सऊदी अरब में? दुनिया की सबसे अच्छी, दुनिया की सबसे बेस्ट तो सऊदी अरब है, जहाँ पे हमारे नबी पाक का घर है यार, हमारा खाना काबा शरीफ है। कभी क्यों अंडरमाइन करते हो अपनी चीज को? नहीं, यूरोप में अंडरमाइन तो नहीं नबी कर रहे, होते हैं। पढ़े कौन लिखे लोग कम आते हैं ना, इधर इधर लेबर तबका ही आता है सऊदीया में। कहता है नहीं आता? जहाँ मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई है, सब मेरे अम्मे ने अब पैसे दो में खर्च से दो आदमी होंगे तो आप ये मतलब बात किए तो ना थे अबे यार, करें। उसको हर चीज फ्रेश मिलती थी। हमें तो क्या होता था, पजामा एक का पहनते थे, कमीज दूसरे की पहनते थे, किताबें मिलती थी बड़े भाई की, जबकि 15 सफे शुरू के फटे हुए होते थे, 15 सफे आखिर के फटे होते थे। अच्छा नासिर, 2 मिनट मेरी बात सुन ले, उसके बाद ना, क्योंकि रूफी भी बैठा हुआ है, रूफी मेरा छोटा भाई है, ठीक है? रूसी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, हाँ सब अल्लाह करम है भाई, सब दुआ है। अच्छा रूफी, मैं बात ये कर रहा था कि हम लोग, पता क्या होता है, हम लोग तनकीद करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं जी हमेशा, हर चीज के ठीक अंदर है, ना मनफी पहलू निकालते हैं, लेकिन कभी किसी चीज को हम किसी की तारीफ नहीं करते, किसी को इकनॉलेज नहीं करते, किसी को गले से नहीं लगाते, हम कभी फिक्स करने की सही बात नहीं बात। करते। एक आदमी है वो गलत मकान बना रहा है, तो हम जाके कहेंगे यार तुमने दीवार टेढ़ी बना दी है, तुमने खिड़की गलत लगा दी है? नहीं, उसे कहो कि यार ये आपकी गलत, थोड़ी सी गलत बन रही है, तो मैं आपको सही कर देता हूँ, उसके साथ जाके फिजिकली हाथ लगवाएं, क्योंकि फिक्स करने की कोई बात नहीं करता। मैं आपको एक सच्चा वाक्य सुनाने लगा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बुरी बात होती है। वो क्या हुआ कि उस खिलाड़ी का एक छोटा सा बेटा था, ये पुरानी बात है, और मतलब के लेजेंड जिसको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हुआ कि वो एक जो उसका बेटा था, एक दिन वो स्कूल से वापस आया घर, और उसको क्लास में फर्स्ट या सेकंड आया था, मतलब उसने लिया था, और ये बात है उस वक्त उम्र होगी उसकी कोई दूसरी तीसरी चौथी क्लास में वो पढ़ता था। तो जब वो घर के पास आया, घर के दरवाजे पे पहुंचा, तो अंदर से उसको लड़ने की आवाजें आ रही थी, तो देखा उसकी माँ और बाप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और बहस चल रही है। माँ उसकी कहती है कि तुम्हारी लड़कियों के फोन आते हैं, लड़कियों के साथ तुम ये करती हो, वो है फलाना है, तो वो उसे कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं स्टार हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, ऑटोग्राफ लेने आते हैं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बीवी तुम मेरी हो, ये है वो है। लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, तो आखिर में उसको गुस्सा आ जाता है आदमी। वो क्या करता है, वो कहता है ये एक चीज को उठाता है, कहता है ये देखो ये मेरे पैसों से आता है, ये मैं काम करता हूँ, इन पैसों से मैं ये लेके आता हूँ, वो लेके आता हूँ। तो वो अब वो अपनी चीजें बता रहा होता है, इतनी देर में बच्चा अंदर घुसता है, तो बच्चे को, बच्चे के हाथ में वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें उसको फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला होता है, और वो उसे कहता है कि देखें, वो बच्चा भी बताने ही लगता है, तो
उसका बाप कहता है देखो ये एक नई डिमांड लेके आ गया होगा, नई फीस मांगने आ गया होगा, ये देखो इस बच्चे की मैंने कमीज, ये कपड़े इसके यूनिफॉर्म मैंने खरीदे हैं, तो वो उसके बटन टूट जाते हैं, कमीज उसकी आगे से सारे बटन टूट जाते हैं, वो थोड़ा सा नंगा हो जाता है बच्चा, और ये है वो है फलानी है ये तुम्हारा नवाब का बच्चा ये वो, तो माँ क्या करती है बच्चे को घर से निकाल देती है कि तुम बाहर जाओ बेटा हमारी लड़ाई हो रही है, अब बच्चा घर के दरवाजे के बाहर आ जाता है और क्या होता है बारिश शुरू हो जाती है, अंदर माँ बाप के लड़ने की आवाजें आ रही हैं और वो बाहर बैठा हुआ है, वालेकुम और बाहर बैठा हुआ अस्सलाम। है वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, तो बाहर बैठा हुआ रो रहा है बारिश के अंदर, उसके आंसू भी बारिश के अंदर चले जाते हैं, वहां बैठ के वो बच्चा सोचता है कि यार मैं तो फर्स्ट आया था, मैं तो अपने माँ बाप को अपना अपनी अचीवमेंट दिखाना चाह रहा था, और मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये क्या किया, मेरी कमीज के बटन फटे हैं, इस वक्त सर्दी के अंदर मैं बाहर बारिश में बैठा हूं, तो उस बच्चे ने एक फैसला किया अपने दिल के अंदर, चाहे मैं कोई भी अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगा। उसके बाद उस बच्चे ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, एक एवरेज स्टूडेंट बन गया, पता नहीं किस तरह उसने हाई स्कूल किया कॉलेज किया, उसके माँ बाप ने क्योंकि अमीर लोग थे उन्होंने अमेरिका भेज दिया उसको पढ़ने के लिए, यहाँ पे भी आया तो नालायक स्टूडेंट था, जो लोग 2 साल में किसी डिग्री को हासिल करते थे उसने 5 6 साल किए, वो भी आके बस उसने कभी अपना अचीवमेंट दिखाने की कोशिश ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर उस दिन उसके माँ बाप उसको उसकी बात सुन लेते, उसको एक्नॉलेज करते, उसको गले से लगाते, तो वो बच्चा कभी खराब ना होता था, एक बच्चे की पूरी जिंदगी माँ बाप की लड़ाई ने खत्म कर दी। एक मिनट मेहमान कोई आया है, एक मिनट मेहमान कौन है जी, मैं आपको बिल्कुल भाई लूंगा लेकिन पहले मैं जरा रूफी भाई से 2 4 बातें करूंगा, उसके बाद मैं अपना नासिर भाई को हेलो करूंगा और उसके बाद आपको लूंगा, मेरा ये वादा है यार, कैसा कर भाई लूंगा। हाय ठीक यार है नासिर बताओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। अभी 99 व्यू थे, अभी फिर 46 हो गए हैं, भागे हैं भाई ओए अल्हम्दुलिल्लाह। कम भाई आप अब जो भी आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका जो आए आपका हुए हैं ना उनको ले लो, रेस्टोरेंट हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के आते हैं बाद में। ठीक है ठीक है रूबी, तो आप ओके जाओ ओके रूबी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। भैयादीन मोहम्मद। हाँ जी अलैकुम वहीद भाई। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वाह तू मुझे अल्तान तुगरल लग और वही 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 हालात को शैफे हैं रहे जी, हाय हालात को हाय शैफे हैं जी पायर जी। यार, हमारे एक बात की खुशी है कि शुक्र है कि तू आज घर पे बैठा हुआ है, हमारे यहाँ भी रात को पूरी रात बर्फबारी होती रही है, बारिश होती रही है, वही स्ट्रॉन्ग तूफान था और है जी, स्ट्रॉन्ग है, स्नो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बाहर निकलने वाले हालात ही मैंने नहीं है। देख खिड़की छिड़की का वो मैंने रात को ना तूफान था, पहले बर्फबारी हुई उसके बाद फिर बारिश हुई, तो बारिश ने पकड़ के सारी बर्फ को ना मेल्ट कर दिया। लेकिन क्या वहीं बात पे है, इधर तो बड़ा बुरा स्ट्रॉम चल रहा है जी, इधर देखे कितनी बाहर बर्फबारी गैलरी में भी 1.5 1.5 फुट बर्फ हो गई है। हुई है। अच्छा कौन सी जगह है भाई एक मेहमान और आ गया, एक मेहमान और आया तो चलो वो चले ये, गए, कोई ले बात ले मैं नहीं, बाद में आ जाता हूँ, मुश्किल नहीं नहीं वो है भाई, आएंगे देख लेने तो आए। मैं वो सॉरी वो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी वापस ले लिए, अब भेजेंगे तो मैं इंशाल्लाह उनको एक्सेप्ट अस्सलाम करूंगा, वालेकुम सॉरी एवरीवन। नाम वो मैंने ले नहीं सका यार नवाब, उनसे। नवाब यार क्या लगे, अपना नवाब बात भाई सलाम दुआ कह रहे हैं, कौन नवाब। नवाब भाई आई लव यू, आप आए हो और आप चले गए हो, क्यों क्यों सबका क्या हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? कैसे हैं नासिर भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है भाई, आप सुनाए ठीक ठाक करम हैं? करम है मालिक है जी, करम है मालिक का एहसान है ओ माँ ते गल दस, जी लव जी यू टू भाई भाई, माँ तो इतना सोना क्यों है भाई। बताओ आज तो माल भाई उत्कल गाजी लग रहे हैं। थोड़ी सुनाओ सोचे ठीक आते है हैं भाई? भाई आज ऊपर देख कितनी लड़कियां आई हुई है माँ भाई को देख रही है, पहले ये देख
आखिरी जवाब। क्यों मैं करो के डाला अच्छा जी बात सुन, आया मैं इधर, मैं नीचे जा रहा हूँ, अपना ले ले आप। हाँ नीचे जा, मैं ले रहा हूँ उन्हें, ठीक है, ले लें, ओके, ले अस्सलाम लें। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल 3 लोग भी आ सकते हैं यार, कल 3 लोग आ गए थे मेरी लाइफ के ऊपर। अच्छा अपडेट हो गई है ना भाई, भाई लाइफ। अस्सलाम जब बातें नहीं हो रही मैं बात करके दिखा देते हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, वहीद भाई, क्या हाल? शुक्र है नहीं, बाबू, कौन हाउ आर बात यू, क्या हाल है कर आपके? रहे हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, आई एम फाइन, अच्छा थैंक यू। सुनाओ यार, क्या लाइफ, क्यों तुम तो लाल पीले क्यों नजर आ रहे हो, चेहरा दिखाओ यार। वन सेकेंड वहीद भाई, बाप रे, चेहरा तो दांत दिखाऊंगा करा रहे एक हैं मिनट लड़का, हमार बस। हमार नखार दिया इस लड़के का। ये अस्सलाम वालेकुम, देखे वहीद चांद भाई देख निकले, लो चांद निकले, चांद अल्लाह निकले। का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ भाई, क्या हाल? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? वहीद भाई पहचान रहे अभी? यार अभी तो मेरा आज तो अपने आप को भी नहीं पहचाना, तो मैंने बीवी की जान खा के बैठा हुआ हूँ। वही वही नहीं सकर वो तो अलग बात। यार, बात करो, शुक्र है कुट वही खाने भाई की नौबत पहचानो नहीं आई, सही अभी यार, तो मैं जानता कौन की मामला पहुंचे। यार वही यार भाई, मैं जवाब, वो ही हूँ आपकी। मेरी कैसे बात की थी? सलाम वालेकुम। सलाम आपकी आवाज कट गई है। नासिर 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 अरे नासिर नासिर, नासिर नासिर नासिर, वो मेरे ठीक चेक कर लिए, पहचाना? मेरा सारा मामला ठीक है, वो फिट है यार। तुष्य हाँ कर दे उस लड़की को, यकीन करते हैं, मामा आपने बड़ी अच्छी लड़की ढूंढी है, शादी कर ओ ले नासिर। मैं आप बहुत दिनों बाद लाइव पे आए हैं, मैं आपको बोल रहा था, मैं व्हाट्सएप शायद आपको मैसेज पुत्र, मुबारक तू लेने उधर सुन कर ले, तू फिक्र दो। क्यों करता है, वो तेरा रिश्ता करा के छोड़ेंगे, तेरी तेरी शादी के चावल खाएंगे, नासिर फिक्र क्यों करता है बच्चे, खास तौर पे भंगड़ा भंगड़ा पाने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैसेज वालेकुम पढ़ो जी हमारे भाई सारे ने। अस्सलाम वहीद भाई एंड एवरीवन, अस्सलाम सलाम, वालेकुम भाई, लव यू, पूरी पूरी दुनिया को, सलाम मेरे पूरे पूरी दुनिया के प्यारे प्यारे दोस्तों को लव यू हो गया। वहीद भाई, मेरा टूटा हुआ फूल है, लेकिन मैं पेश वहीद करूंगा। भाई पूरी दुनिया के प्यारे प्यारे दोस्तों को लव यू हो गया। वही भाई, चलो मिठाई खाओ जी, मिठाई खाओ अरे जी। अरे, मिठाइयां, लड्डू, गुलाब जामुन, मजा आ गया यार। मिठाई खाओ जी, मैसेज पढ़ो जी, मैसेज पढ़ो। दिल आता हूँ दोबारा अच्छा दोबारा। एक मिनट, नासिर आ जाओ, एक मिनट यार, एक का ये इनविजिबल आया यार, इनविजिबल, और ये भी सड़ा, एक गल सुनो, ये इनविजिबल भी एक सड़ा अपना नकाम आशिक है, इस तरह से रह लो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम इनविजिबल, एक भाई, मिनट जरा नुआ भाई को, उनको नासिर को, नासिर 2 मिनट जरा इनविजिबल भाई की जरा 2 बातें सुनते हैं, उसके बाद तुझे ले रहा हूँ। हाँ जी वहीद भाई, जितना इश्क की नाकामी में मज़ा है ना, उतना कामयाबी में मज़ा है ही नहीं है, इसीलिए तो हम चाहते हैं हम ऐसा नाकाम रहे हैं इश्क में। बेटा बेटा, मुझे पता है छुट्टे खाने में बड़ा मजा आता है। अमार भाई भाई मॉडरेटर था कुछ करो जी, ये क्यों, क्या हो गया? तले कोई इंसान दा पुत्र नहीं आए दा, गालियां देंदा पिया। के ना किस, इसका जनरल तालिब कौश कुछ इस तरह का अजीब जहा नाम है, फुल जहा बने दे। अच्छा फुल दफा बने करो दे, दफा करो, मैं तो कहता हूँ ब्लॉग ना करें, तो उसके से लिखते दें, लिखने दें, बस जो भी लिखता है लिखने दें। सर सर वहीद गलती हो गई भाई है, तालिब एक भाई, मुसव्वर की, तालिब वहीद भाई भाई, तू एक अच्छी मिनट, बात देखते हो यार, हमने तुम्हारी कौन सी भैंस मारी है, हमने
हमने कौन तुम्हारे घर में कब तुम्हें गालियां दी है, कब तुम्हारे साथ ज्यादती की है? भाई वही भाई वही भाई, अल्लाह के बंदे, आज छोटे से एक दुनिया में बड़े कम लोग होते हैं मोहब्बत करने वाले। एक आज ना मुसव्वर की तस्वीर देखी है, बड़ा मज़ा आया है। उसमें ना कुत्ते छोड़े हुए हैं उन्होंने, तो रेस लगी हुई है कुत्तों की, तो उसके साथ ना एक चीता भी छोड़ा हुआ है। चीता नहीं भाग रहा उनके साथ, वो साइड पे बैठा हुआ है, तो साथ लिखा हुआ है बिल्कुल चीते की तरफ से मैसेज कि मुझे अपना आप शो करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं चीता हूँ। चीता वैसे ही पहचाना जाता है कि मैं चीता यारी हूँ। मदद चाहिए, यारी मदद जी, हमेशा मदद। ये जी मलंग भाई है, ये भी कनाडा से मलंग ही, भाई, मेरे मलंग सिटी से ही है। भाई, आई लव यू ब्रदर, वही भाई, अल्लाह अगर आपने किसी को आपको कॉल पे कभी लेना तो ले लें। कोई आएगा ताली बाज, तू आ जाए यार सामने आके गालियां दे यार, फिर कहते छुप के गालियां, मेरा मजा नहीं आता, और सामने तुझे नेता फिर जितनी गालियां दे रही है दे दे, तू देख हमारी बर्दाश्त कितनी मलंग जी लव यू टू, दिल है। जा दिल दिल जला इमरान, अच्छा दिल जला इमरान कह रहे हैं जी, प्लीज ब्लॉक हिम। यार मसला ये है कि मेरी आंखें नहीं काम करती मुझे, मैं दिल गलत तो देख ही नहीं पा रहा। जला इमरान भाई, इसको ब्लॉक कैसे करें अमाद जी, बोल भाई रहे आपका तारुफ सर क्या है? अमाद भाई मैं वहीद भाई के गांव से ही हूँ, छोटे, ये मेरा टेंथ छोटा सिटी भाई में है। भाई हूँ इनका छोटा, वहीद अच्छा भाई का। हाँ और इधर हम कनाडा में होता हूँ जी, ट्रकिंग करता हूँ अच्छा, माशाल्लाह जी जबरदस्त। जी। कनाडा में किस जगह पे होते हैं? मैं सस्कातून में तो मॉन्ट्रियल नहीं में होते सर, हैं? मॉन्ट्रियल में, अच्छा मॉन्ट्रियल अच्छा सर। फ्रेंच सिटी में होते हैं, फ्रेंच सिटी में। हाँ जी हाँ जी, फ्रेंच में। ये मलंग भाई जो आए हैं नीचे कमेंट कर रहे हैं, ये भी मॉन्ट्रियल में ही होते हैं, ये भी ट्रकर ही हैं, ये भी विनिपेग चलते हैं यहाँ से मॉन्ट्रियल से। अच्छा, पास माशाल्लाह जी सुनो माशाल्लाह। मलंग भाई, अगर न्यूजर्सी के चक्कर लगे ना, वहां पे एक घर है, बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा घर है, उसके कोने में ना उसके बुर्ज खाने का दरवाजा है, वो खुला होता है, खाना बड़ा मजेदार होता है, वो पता है किसका घर है? आपके भाई भाई का। थैंक्स भाई, भाई गुड डॉग। और भाई भाई सब हैरियत है ना बेटा, तेरे दिमाग में वही लड़की फंसी हुई है, चाची मैं सेक्सा थोड़ी देर में टोन निकल रहा हूँ, आपको फोन करता हूँ, मैं आपको पिक करता हूँ, फिर चलते हैं, एक आधी जगह पे जाना है, फिर मलक वही मुलाकात भाई, करते छोड़े उस लड़की की बात, आपकी वजह से हैं। उसको मेरी बात मैंने हुई थी, मैंने मैंने कहा बो था मैंने तुम्हारे बहुत मुजरा को कहा था, मेरे को मैंने मुजरा वो लड़की को मोटा बड़ा हुआ तुम्हारे पीछे। अच्छा वही भाई, आपके मुंह पे मैंने उसकी बहुत रिस्पेक्ट रखी है, क्योंकि आप उसको बहन कहते हैं, तो आपके होते हुए मैं कुछ नहीं कर मैं उनकी बात सकता कर रहे हैं यार, मैं तो बच्चा है यार, बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है यार, मेरी मेरी बेटी है यार वो, था। मैं तो एक, फिर एक, तो वही भाई मेरी बात सुने, ये अपने पे लेते हैं ना फिर, कि मैंने आपकी वजह से मुंह रखा है, आपका मुंह रखा है, चलो कोई बात कोई बात, छोटी वाले को माफ है यार, ठीक है इवन के वो चलो बातें कर रही थी, मैं सॉरी भी बोला आपके कहने पे, आपने कहा सॉरी करो, बस मैंने सुन लो, बिला हो आपने जा हमें हमने इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। अब आप कहाँ चले गए बिल्कुल यार? सॉरी इग्नोर नहीं कर रहा इमाद, इमाद नाराज हो गए यार, आवाज नाराज ही होते, नाराज होना नहीं, बुरी बात होती। वो सियाना लड़का है, उसने क्यों नाराज होना है। हाँ और सुनाए वही भाई, ठीक ठाक नाफिर है? और यार इनविजिबल ए बनू यार, बस रात को तूफान बरस बारिश वो हो रही थी, बस सुबह हुआ तो वो सारी बर्फ गल गई, बारिश ने सारे के सारे लमिया लेट कर दिया, और अच्छा बस अच्छा अभी भी नाश्ता किया है, बैठा हुआ था, मैंने कहा दोस्तों शोस्तों से बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा मनमोजी आए हुए, अभी वो मेरे कजिन है उनका फोन आया हुआ था, इमरान पीरजादा भाई का, तो वो कह रहे थे यार भाई अच्छा मैंने लिया शिफ्ट होना है, वो वहां रहते हैं मैरीलैंड में ना, अच्छा अच्छा वो आजकल वो ये अपना नया सीरियल लिख रहे हैं, तो पहले एक सीरियल हमने मिलके लिखा था तो वो तो खैर चल गया था, अब जो एक नया सीरियल है उसका नाम है हर शख्स एक दास्तान, एवरी मैन हैज अ स्टोरी, तो उसके अंदर ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन तकलीफों के साथ आते हैं, अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, अपने अचीवमेंट दिखाते हैं, फिर इनके फड्डे होते हैं, छोटी छोटी कहानियां बनती हैं उसके ऊपर, ये पूरी सीरीज है, सीरियल नहीं है। अच्छा ले वहीद भाई, मैं आपको दोबारा आता हूँ कॉल पे लेना फिर मुझे, मैं दोबारा करता हूँ आपको कॉल थोड़ी देर में, मैं असल में काम पे हूँ नासिर, कुछ। हाँ ठीक ठीक है है ठीक है फिर ठीक होती है, है बाद में। इंशाल्लाह नासिर।
आवाजें नहीं आ रही। तासिर चेहरा कराओ। आगे आवाज। जी आ गई, अब आवाज आ गई ना। अच्छा, असल में दो नासिर आएंगे, एक जिसकी शादी हो गई है, एक है जो शादी के लिए ढूंढ रहा है लड़की। वो कौन सा है जो शादी के लिए ढूंढ रहा अच्छा यार, पहले तो मैं इसको दिल जले को लू ना, उसके बाद ही है? लेता दिल हूँ चले आए दूसरी। आज हाँ तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वहीद भाई। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम, जी आया वरहमतुल्लाहि करो ट्रक वबरकातुहू। भर के, जान भर के फूलों का तोहफा मेरे भाई के लिए। और नासिर भाई कैसे हैं आप? भी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है भाई। आप सुनाए कैसे हैं? खैरियत से हैं? बस जी, गुजर इमरान रही है की जिंदगी। वो कहते हैं ना, शायर कहते हैं ना, गुजर रही है जिंदगी बड़े कहानी। एहतमाम की, लड़की फंसेगी अब्दुल सलाम की। वाह वाह वाह, इस उम्र में मुझे अब्दुल सलाम गालियां ही दे रहा होगा और क्या। कोई बात नहीं यार, होना चाहिए। वो कहते हैं ना, उम्र भर तेरे जवां होने की दुआ मांगी, उम्र वाह भर वाह तेरे जवां होने की दुआ मांगी, तूने वाह, जवां होके पर्दा कर लिया। या अल्लाह। और वही भाई कैसे हैं? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत है, राजी वाजी? इलाहाबाद इकबाल जा रहे थे एक बदारे हुसैन के अंदर से, तो इलामा इकबाल की नजर ऊपर चुपारे पे पड़ी, तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लड़की ने देखा कि इलामा साहब उनको देख रहे हैं ना, तो उस लड़की ने ऊपर से कहा, जो सरों पे सनम देखते हैं, जो सरों पे सनम देखते हैं, पहले अपना सर कलम देखते हैं। इलामा वाह इकबाल ने, इलामा वाह, इकबाल ने जवाब दिया, न तुझसे है गरज, न तेरी सूरत से है गजल गरज, न तुझसे है गरज, न तेरी सूरत से है गरज, हम तो खुदा की खुदाई देखते हैं। क्या बात है, क्या ये आपने ऐसी बीच में अलामा इकबाल का नाम डाल दिया, आप खुद गए होंगे। नहीं सर, ये अलामा इकबाल का सच्चा वाक्य है, नहीं सच्चा वाक्य। नहीं अच्छा ये एक और सुनो, आपने। एक और सुनो, लड़ बताने का तरीका बताता हूँ, लड़की बताने का तरीका। तो वो कोई अस्तगफार भाई, लड़की है हमारी ना, उम्र है। अबे सुन तो सही यार, उम्र हर उम्र में लड़की बसती है। मेरे अब्बा ने 81 ईयर की उम्र में लड़की बसाई है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह वहीद भाई। अस्तगफिरुल्लाह यार, और मेरा अब्बा जवान का बच्चा है, और मेरा अब्बा फॉरएवर यंग है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जी मुझे कहा अच्छा था, भाई, फिर अभी आपका फीडर कहाँ है? अभी जी कहते कहते पुत्र 10 ए कुड़ी चिकनी है। मैं क्या, बड़ी बड़ी चिकनी है। कहते व्याह कर रहे हैं, तुम्हारी माँ बढ़ा दे। मैं क्या बढ़ा दो, दूजी माँ तो चली गई है, तो तुझे बढ़ा दो। उन्होंने शादी कर अल्लाह ली। अकबर, अल्लाह अकबर भाई, भाई क्या हो गया था चुप आपको? चलो निकाल में दिया ना, गलत बात तो नहीं की ना, एक हर चीज की एक उम्र होती है भाई भाई। ना। अच्छा सुन तो सही ना यार, लड़की बताने का तरीका सुनना इमरान। ओए नासिर तू भी ना सुन, बताएं लाइफ पे जाओ, जी। अगर कोई खूबसूरत लड़की देखो तो उसको कहो, पहली बात कहो, कहती है मैम आपके बारे में एक शेर है, जी तो पूछे क्या शेर है, उसको कहो, काश काश मुझको वो नजर मिल जाए, काश मुझको वो नजर मिल जाए, आईना मैं देखू नजर तू आए। क्या बात है जी, क्या बात है मेरा भाई। भाई हमारी तो सुन, पहाड़ियों पे वीडियो नहीं जाती तो लाइव कहाँ चले जाएंगे हम? दूसरी बात उनको अभी सही बात है। क्या कहो? अरे दूसरी बात उनको क्या कहो? उसको कहो कसम से लेकिन भाई अगले हमारी हफ्ते तो, जूते भी पड़ सकते अच्छा वही उनको, तो कहो। लाइव लेकिन पहाड़ी पे लाइव वही क्यों नहीं जा भाई रही है बताएं मुझे। मैं तो बहन के अलावा कोई और बात करता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा हम भी सुन तो ऐसे ही ले हैं, यार, कसम तुमने से। भाई मेरे आप को मेरी मजाक कहीं भी लाइफ कर देख लें, सिस्टर ही हैं सब, अपनी आपी सिस्टर दिया। बहन। तू तो बताएगा, अंगूर तो खट्टे है ना, इसलिए सिस्टर बन नहीं नहीं भाई, ये जाती बात भी नहीं है, अंगूर खट्टे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा नजर भर के देखना, वो देखती रहेंगी, लेकिन नहीं बस यार। दूर करो से। यार, तू तो दिल में ले वही रहे भाई, यार। वही अच्छा भाई, शेरो शेरो शायरी में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि शेर को चारा समझकर सब गधे चरने लगे, शायरी आती नहीं शायर बनने चले। नहीं मेरे को कह दो, कह दो, कह दो, मैं तुझे बताऊं, नहीं मैं अपनी मैं बात कर रहा हूँ। इतना आदमी हूं। अच्छा सुनो, दूसरी बात वालेकुम लड़की से क्या सलाम। कहनी है, दूसरी बात क्या कहनी है, जो आपका तीर है, या तो निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा, उसे कहेंगे मोहतरमा, मोहतरमा मैं आपका भाई बनना आप चाहता हूं। मेरे, नहीं आप मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करवाएं जी। आप मेरे बच्चों की फूफी बनना पसंद करेंगी? यार इमरान, क्या हो गया तुम्हें, कितनी धोखे की बातें करते हो यार। अरे वही भाई, मेरा वो अस्सलाम हाल कायसर है, भाई, लव यू अजय मेरा भाई, वो लव हाल है। यू एक लव एक यू कबर लव यू भार, एक एक जो कद है ना, वो क्या कहते हैं, एक कदम भार है और एक कदम कबर के अंदर है। कभी कोई क्या। पता नहीं कब खींच ले कोई। एक बात सुने, एक छोटी सी बात सुनिए मेरी, एक मिनट। जी मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। दूसरी बात, बिल्कुल हम टाइम ट्रेवलर हैं, हम टाइम जी, ट्रेवलर हैं, ठीक है, बेसिकली वी आर बिल्कुल। ट्रेवलिंग। सेकेंडली, कुछ डॉक्टरों की भी हमने मेहरबानियां है वहीद सर अब भाई, पुलिस, कुछ हम डॉक्टरों की भी पुलिस मेहरबानियां है। सर, आपकी बात सही है, हम पुलिस सराफ से गुजर रहे हैं, ठीक है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा, ठीक है। अगर आप एक खातून है, आपको अच्छी लगती है, आप उसे उनके साथ निकाह कर सकते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों बीवी, पहली वाली बीवी सख्त सख्त हो या नरम हो, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, एक एक दफा जहन्नम देख ली, दोबारा जहन्नम क्यों देखूं मैं? सही बात कही ना, दिल को लगी आपको। इसलिए तो पीछे घूम के देखने यार आज से 3 साल पहले ना, 3 4 साल पहले बात है, मुझसे एक गलती हो गई ना, कहा और बेगम ने आके मुझसे पूछे जी मैं कैसी लग रही हूँ, तो यार देखो बेगम, ये सवाल मत पूछो क्योंकि मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। कहते नहीं, आप सच बोले। मैं कहा सच बोलूंगा तुम घर से निकाल दोगी। कहते नहीं, सच बोले। कहते क्या, मैं कहता हूँ कनाडा की बफलो लग रही हो, कनाडा की गाय लग अल्लाह अकबर, आपकी रही तो फिर भी हिम्मत है। हो। निकाल दिया मुझे, 3 दिन तक वो बाहर ना बेंच पे बैठा रहा। माशाल्लाह, अब आप चाहते हैं कि हमारा भी वही हाल हो? तू भी तो शादी करने जा रहे हो, हमारे वही भाई, यहाँ अपने घर में तो कितने लोग, वो नासे कितने लोग लोग बैठे हुए हैं, आठ आदमी है जी अभी। अभी 8 आदमी है, 8 आदमी हो, आठ हम लोग आठ फ्रेंड जितने, हम को लोग, बुलाओ यार, इस वक्त बहुत दिल से मेरी बात बात सुने, हम लोग जितने मर्द हैं ना, वो जन्नती हैं, क्यों कर दो रहे लोग हैं। देख अच्छा के जा रहे हैं? नहीं अच्छा ऐसी भाई बात सर, मैंने नहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, है जी। सर हुक्म करें आप कराची में रहे हैं ना, जी, कराची में रहा हूँ मैं जी। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बताता हूँ कि कराची वालों की जुबान बिल्कुल डिफरेंट होती है। कराची में कहाँ पे जी रहे हैं? कराची अरे दिल जला भी आ में, गया, आज ओरिजिनल दिल जला आ गया, नीचे सागर आ गया यार। सागर, ओ वालेकुम प्यार, सलाम दिलजले, क्या लव हाल यू है? लव लव यू, ट्रक भर के यू फूलों हो का, गया ट्रक भर दिलजले, के बहुत मोहब्बत दिनों का बाद दिलजले मिले हैं। है। ये सब मेरे पीछे पीछे हैं। मेरी पहले, सबसे पहले आईडी होती थी दिल जलेगी। अच्छा नहीं, ये दिल जले भाई बहुत अच्छे हैं, इनकी बातें सुनने का बहुत मजा आता है, इनको ले लाइफ पे। दिल जले भाई ये सागर बेचारे भाई कुछ या तो अल्लाह, नासिर मैं सागर को ले वही लूं, लेकिन है, सागर तू आ जा रहा है, पहले आने दे सागर को, सागर को वही आने है, दे। दिल जले भाई को आने दो, आने दो, ऊपर आने दो दिल जले भाई को। मैं रिक्वेस्ट चला जाता हूँ भेजो सर। दिल जले भाई,
नहीं भाई, एक मिनट, बात को आपसे बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। नहीं जा सकते हो, जो आप आते हैं अपनी मर्जी से हो, जाओगे मेरी मर्जी से। अच्छा, सही है। कराची में कहाँ पे रहे हैं आप? वेट कराची में आई मैं पहले रहा हूँ टाउनशिप के अंदर। इसके अंदर ना मेरे वाली साहब ना उसमें काम करते थे, PIA के अंदर। अच्छा, मेरे वाले साहब भी पी आई मिलते। मेरे वाली साहब उन्होंने स्टार्ट किया था आई थिंक 1971 में। इस अच्छा वक्त ना 71 उस टाइम पे यानी बैठ के ही आप ले रहे होते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कुछ नहीं, आप बस PIA स्टार्ट कर ले अच्छा मेरे वाले साहब दैट टाइम। 77 में ज्वाइन की थी, पाकिस्तान एयरफोर्स से आए थे, और हम लोग बड़ी जी सिविलाइज जिंदगी गुजार रहे थे। एयरफोर्स बेस डिग रोड में हमारा घर था, आखिरी स्टेशन था वाले साहब का, वहां रिटायर हुए। उसके बाद जी फिर हम गांव चले गए, फिर हम गरीब हो गए, हमारी जायदाद पे कब्जा हो गया, फिर हम गरीब थे तो फिर हमने लांडी में घर लिया, मानसेरा कॉलोनी में। फिर जी हमारे पास जी पैसे आ गए, फिर हमने बिलावल भुट्टो का, बिलावल भुट्टो के घर के सामने घर लिया, आजकल क्लिफ्टन में घर है। माशाल्लाह। नहीं वाली साहब ने तकरीबन 5 5 साल काम किया PIA में, फिर उनकी डेथ हो गई तो फिर उनकी जगह पे वालदा आ गई थी उसके अंदर मेडिकल के अंदर डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। फिर हम उसके बाद गुलशन इकबाल में मूव हो गए थे। गुलशन अच्छा, इकबाल के बाद फिर करते करते अब इसमें है गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 12 में। अच्छा। हमारा घर है, दो घर है हमारे, बल्कि तीन घर है हमारे कराची में, एक लांडी में, एक क्लिफ्टन में, और एक शीरी जना उसमें है, सॉरी किमाड़ी में है, क्योंकि मेरे भाई जो है किमाड़ी वो में एयर चीफ है कराची। पहले पोर्ट फायर ऑफिसर थे, पूरे पोर्ट जी के, वो कराची के फायर चीफ बने। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई को शायद आपने नाम सुना हो, एक जमाने में तकबीर में लिखा करते थे, मोहम्मद सईद अख्तर, शायद मे बी जैन से नहीं अभी क्या जमात कहते हैं इस्लामी आ के रहा है। नाजिम भी रहे हैं। जब आर्मी में जाने से पहले ना, पहले वो फिर आर्मी में चले गए थे, वो कराची बहुत यूनिवर्सिटी मारते थे में है। ये लोग नेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी में बहुत मारते थे ये लोग जमाती वाले हमें बहुत ना जमातिया थे ना, मेरे भाई भी जमातिया था, मारते जमातिया था। फिर उसके बाद मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन कर ली, फिर वापस आए थे थे यार। उन्होंने केपीटी ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद अब केपीटी भी और कराची के एक्टिंग फायर ऑफिसर, फायर ऑफिसर थे, लाइक फायर चीफ थी। अब वो रिटायर हुए हैं, एक महीना हुआ है। अब वो इस्लामाबाद में उनको एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर एज अ एडवाइजर की जॉब मिली है, तो ही मैंने समथिंग। मैंने यहाँ पर 25 साल काम किया मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंदर ना। अच्छा, जी हाँ यहाँ 25 ईयर पे अपना उसके इंग्लैंड, लंदन लंदन के अंदर। जी हाँ में। अच्छा, भाई आप? मेरी कॉल आ गई नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं लंदन से पढ़ के गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैं पढ़ा हूँ। मैं माशाल्लाह था रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में, मुझे तो स्कॉलरशिप दी थी ब्रिटिश काउंसिल ने। उसके बाद मैं हाँ नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में रहा, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर वहां पे एक क्लब के अंदर, वहां एम्बैंकमेंट के अंदर एक शिप है जो टेम्स के अंदर, वो मेरे एक दोस्त का है, वो भुट्टो के भांजे हैं मुजफ्फर अली खान, तो वहां पे एज अ बार टेंडर काम किया। अपना टावर ब्रिज के करीब जी, बिल्कुल। और फिर क्या करता था, वो जो वहां पे एक डिस्को है उसका नाम है हिप्पोड्रम, एम्बैंकमेंट, उसके सामने मैं गैंगन चलता था, हाथों में चलता था, और लोगों के सामने पेंटिंग बनाता था। मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई है, तो वो लोग क्या होते थे, मेरे में पैसे डालते थे। अच्छा, मैं 2 3 घंटे ना 150 200 पाउंड बना के आराम से ना अपने मजे करता था। फिर मैं बीबीसी में जाया करता था, वहां पे होती थी फातिमा सुरैया बिटिया की बड़ी बहन ना, तो बाजी होती थी, उनके पास जाता था, वहां यावर मैजी होते थे, मेरे दोस्त होते थे। इंग्लैंड में मैंने ज्यादा टाइम नहीं गुजारा, कम गुजारा। फिर मैं स्कॉटलैंड चला गया, जिले स्वीडन चला गया, और फिर कहाँ चले ऑस्ट्रेलिया चला जाए, गया। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने 4 घंटे गुजारे जहाँ उसमें। जहाँ BBC है ना, BBC व्हाइट सिटी में, जी, वो इलाका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मेरा घर था अलस्कॉट में, अलस्कॉट देखे आपने? ये अल्सकोट देखा है, इसके साथ क्या कहते हैं अपना ये लेगोलैंड के बाद ही आता है ना विंजर में। बिल्कुल, साथ आगे जाके दरिया शुरू हो जाता है, फिर बिल्कुल वहां से आप सर वॉक सर करके आए तो वो बिकिंगम पैलेस आता है, तो मैंने और बताया ना, अपने मेरा पहले तो मैंने तो बताया ना अपना वहीद भाई, मेरा तो काम ही ऐसा था कि गलियों गलियों में चक्कर लगाना।
नहीं, मेरे भी वैसे। और मैं एक वाक्य सुना देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। जी मैं लंदन उस दिन अराइव हुआ कि जिस दिन बीसीसीआई क्लैप्स हुआ था। अच्छा तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, हीथरो एयरपोर्ट पे, तो वहां पे एक अंग्रेज था जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, वो मेरा जो उसके पास मैं गया, तो जी मुझे कहते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे हेयर इन दिस कंट्री। तो मैंने उसको जवाब दिया कि लेस देन यू विच यू स्टेड इन इंडिया। मुंह वो तो देख परेशान हो गया होगा। अच्छा रहा, वो बेचारा नर्वस हो गया ना। तो मुझे कहता है, ओके व्हाट इज द रीजन यू केम हियर? बिकॉज़ आई वांट टू गेट माय डायमंड बैक मैन, कोहिनूर। माशाल्लाह। अच्छा, मैं शुरू से ना फियरलेस आदमी हूं। मैं लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता, फनी। और फिर ये होता था कि मैं कॉन्फिडेंट बड़ा होता था, और फिर मैं जी डरता नहीं था। मैं हमेशा अल्लाह जी से दुआ मांग के निकला करता था। मेरा कॉलर फटा होता था, अच्छा पीछे से कमीज फटी, आगे से पैंट फटी होती थी। मैं पीछे से पैंट फटी होती थी, आगे से कमीज, जूतों के नीचे थल्ला नहीं होता था। तो मैं अपनी माँ के पास जाता था, मैं कहता माँ जी मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ, माँ जी कपड़े फटे हुए हैं, क्या करूँ? मेरी माँ कहती थी, पुत्र तू कमीज उतार के भी जा रहा, तेरे लिए कोई रास्ता नहीं लेकिन रोकेगा। वही भाई मैं आपसे कहूंगा, वो दिन बहुत अच्छे होते थे। भले बहुत कितनी प्यारे दिन। मजबूरियां होती थी, कुछ भी होता था, दोस्ती ऐसे लोगों से होती थी ना कि जो लोग दोस्ती निभा सकते हैं, अनकंडीशनल दोस्त है यार, अब तो कंडीशनल अनकंडीशनल। जी दोस्त है, हाँ, जरूरत की दोस्त है। आज तो यानी जरूरत है तो किसी से मिल लिया, जरूरत नहीं है आजकल ये हो रहा है। दिल चले कहाँ चले गए हैं भाई? नहीं, आपकी कौन जरूरत है अभी हमें। अभी कर रही? बैठो बेटा बैठो। अच्छा सुने, एक बार तो एक और चीज आपको बताता हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल की, मैं लंदन में था, मेरे बड़े भाई ने कॉल की और मुझे कहने लगे कि बात सुनो छोटे, मेरे लिए तोहफा लेके आना है लंदन से। अच्छा, लंदन में जो पैसे आते थे जाया जाते थे, खैर जब मैं गया तो मैं अपने भाई के लिए तोहफा लेके गया। तो मेरे भाई ने कहा क्या तोहफा ले? मैं बहुत बड़ा तोहफा लेके गया ना, तो मेरे भाई ने कहा दिखाओ क्या तोहफा लेके आए हो। तो मेरे भाई को कहा, मैंने कहा मैं इंग्लैंड की डिक्शनरी लेके आया हूँ, इंग्लैंड की वो जो नहीं टेलीफोन डायरेक्टरी लेके। सारे फोन नंबर है, जो चाहिए फोन करके मंगवा लो। मेरे भाई ने और इतने क्या, गालियां दी बिल्कुल। यस अमोन थी। यार। बट सर एक क्वेश्चन है आपसे जी यार, जी सर, यार आप कौन कहते हैं कि आप बहुत बूढ़े हो गए? कितने के, 50 के, 48 के, 45 के, इतने के ही है, इससे ज्यादा कितने ही है यार? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हूँ तकरीबन वो 50 और 70 के बाबू। 50 और 70? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तुम मेरे अब्बा से बहुत छोटे हो, तुम्हारे में बहुत चांसेस है। अरे कौन आया यार, कौन आया? चलो नासिर आ गए। भाई अच्छा तायरा बाजी आई है, नासिर आप नीचे नहीं, जाएंगे, तायरा बाजी को ले जाओ। मैं जा रहा नहीं हूँ जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताराबाजी हमारी मदीना मुनव्वरा की। अस्सलाम वालेकुम ताराबाजी, ताराबाजी आपकी आवाज, दोबारा आ जाए, दोबारा आ जाए। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क की वजह से ना प्रॉब्लम होता है। हम जब से शरीफ हुए सारा शहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम वहीद भाई, आज मैं मस्जिद नबी गई थी, मैंने आपको इतना याद किया, वो जुबान पे लाइन पे थे, मैंने कहा था उनसे कहना कि जरा मुझसे बात करें, तो आप कोई भी नहीं आए। नहीं, मैं एक्चुअली बस रात को बहुत लेट सोया था, बहुत तूफानी बारिश थी। और पहले ये बताएं, मेरी तैरा बाजी कैसी? तैरा बाजी अपना आज आपका मैं भी तो चेहरा ठीक दिखाएं, हूँ। मैं अपनी बहन का चेहरा देखूं, सिर्फ हल्का सा चेहरा दिखा दे, ताकि मैं जब आऊं तो कम से कम मदीना मुनव्वरा में मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो मुझे अपनी बहन को। ठीक अच्छा चले ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको, ठहरिए। है। ओए मेरी बहन, मेरी प्यारी दी बहन, ओए मेरी छोटी दी प्यारी दी बहन, ओए सलाम सलाम मेरी बहन ठीक है भाई, मैं कपूत। अभी बात करूंगा नहीं, माशाल्लाह आपसे। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत आसानियां दे। और तारा और बाजी सुना कैसे? ये हमारा हॉस्टल है, और ये देखिए मदीना अच्छा, मुनव्वरा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये हमारा हॉस्टल है, और वो देखिए चांद जो है ना वो बादलों के अंदर है और अच्छा दिख नहीं रहा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, और आप कैसे हैं? अब भाई मैंने आपको बताया इतना मिस किया, मैं कितनी देर रुकी थी वहां पे। ये हमारा अल्लाह हॉस्टल है। अल्लाह मेरी बहन को खुश रख। अच्छा, ये हॉस्टल है आपका? रूफी, आपसे भी बात करते हैं, पर मैं अपनी बहन से बात करूंगा। देखिए ये हमारा माशाल्लाह। हॉस्टल है भाई, ठीक अच्छा है, और ये मेरा रूम है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह इतने फ्लावर्स माशाल्लाह, लगाए मैंने, वेरी गुड माशाल्लाह। और ये देखिए ये मेरा रूम है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वहीद भाई मेरा फोटो कैसा लग रहा है? ओए तो ऐसा लग रहा है जनाब, कोई मुझे लगा है इतने आदमी थे। ठीक है, इतने काम किया आज मैंने। अभी मैं खाना लेने गई थी नीचे एक्चुअली, गब्बर मैंने पाये बनाए थे, तो गब्बर। वो सालन मैंने सुबह, अच्छा, आज मैं भी पाया खाया हूं। अच्छा माशाल्लाह। ये फोटो लगाए ना, मेरी अम्मी पूरा गुस्सा हो रही थी, वो भी यही बात बोली, अरे गब्बर बन गया रे। ठीक हाँ भाई, कैसे है, इतने चल। आदमी थे कालिया। हाँ तारा भाजी, यार तारा भाजी आपको फ्रीज हो गया। तारा भाजी आपकी आवाज वो हो गई है। 1 मिनट, मैं 1 मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब तो गए। तारा भाई जी आप दोबारा से आ जाए। हाँ रूफी सुना यार, सुनो। ये जो फोटो है, ठीक है, ये फोटो आज हुआ क्या ना, मैं एक टिकटॉक बना रहा था तो मैं एक सेल्फी ले लिया। बोले एक आदमी मेरा दोस्त लोग पूछ रहा, ते ऐसा गम में क्या हो गया है, दाढ़ी मोज इतना बड़ा बड़ा, मतलब कर लिए बड़ा बड़ा, अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लग रहा है तू रूफी, मैं तुझे मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाकई तू अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मजनू मजनू नहीं होता। हाँ, लला एक मजनू। हाँ मिनट में फोन दे दूँ। हेलो, वालेकुम सलाम ननी। ना मैं वो नहीं, असल में रहना था, फोन इतने लगे रहे। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट 1 मिनट में दे रहे, 1 मिनट आ रहा। ओके रहना रहना, चाय पड़ी है, कोई कोई किसी को चाय नहीं पिलाता। आ गया जी, आ गया आ गया आ गया आ गया। सॉरी, मेरी बेगम का फोन था तो जमान भाई आ गए, जमान भाई आ गए, तारा बाजी जमान भाई आ गए। हाँ रुकी, सॉरी यार। अस्सलामुअलैकुम।
वहीद भाई, वालेकुम सलाम वालेकुम उस्मान सलाम, भाई। लव यू भाईजान, बिग बिग लव यू। और गुड रूफी, तुझे 2 मिनट के सुनाइए। लिए नीचे जाना पड़ेगा, मैं तुझे लेटो, मैं तारा भाजी को ले लू। नाराज ओके 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 भाई, नहीं होना रूफी, आई लव यू ब्रदर। आज तारा बाजी ने लाइव था मदीना मुनव्वरा में, मैंने भी काफी देर बैठा था माशाल्लाह, नहीं वो बताया मुझे ज्यादा तो तारा वही है। भाजी को। हाँ हाँ तो तारा बाजी ने कहा था कि आपको करूं, मैंने कहा उस वक्त तो बहुत ज्यादा टाइम था, मैं कहा सो रहे होंगे, तो फिर मैंने समझा भाई नहीं कि आपको फिर कर सकूं। मैंने आपको हाँ कितना मिस भाई, किया था, आपको मैंने याद भी नहीं असल में पता क्या, रात अस्सलाम को भूख लग वालेकुम। गया था और सुबह जिस वक्त मैं उठा हूँ तो फिर मेरी अच्छा तकिया तकिया फाइट हो रही थी। हाँ, घर वालों से तकियों के साथ, बेगम के साथ, बच्चों के साथ तकिया ओ, फाइट कर ये भी बड़ा मजा आता है जब बच्चों के साथ ऐसे शरारत करते हैं, बड़ा मजा आता गया। है। मैं ना वैसे भाई, मैं बच्चों के साथ यस्सू पंजू खेलता हूँ, छोटे बच्चों के साथ ना, वो बड़े होते पंजू हार कबूतर ढोली। बड़े मजा आते हाँ वो हैं। भी हम खेला और करते थे। तानाबाजी पता नहीं आवाज मेरा कल उनकी चले गई है। गाँव के, चल कोई बात नहीं, आ जाए उनकी आवाज अभी आ जाएगी। हाँ सुना है अरे अमेरिका कैसा लगा आपको? कोई भाई जी मुझे लगता है नेट ही खराब है आज। कोई बात नहीं। हाँ मेरा अच्छा कनेक्शन तारा खराब भाई, पता नहीं नीचे वाले लड़के को मैं पता नहीं बुलाऊं मेरा उधर नेट भी, खराब है कि आपका नेट खराब है भाई भाई। नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नीचे 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 वाले बंदे को मैं बुलाऊं ना बुलाऊं, जी लेकिन बताइए। आपको मैं इनविटेशन जरूर भेजूंगा अमेरिका का। आ जाए अमेरिका, दोनों बहन भाई अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, दोबारा को इग्नोर करेंगे। हाँ अच्छा देख लो बहन। अच्छा वही एनीवे भाई, आज जमान मैं में ही दस। गा रहा गा रहा आया तो मैंने एक मूवी लगी हुई थी 10 साल पहले की ना, मेरे भतीजे की शादी, तो मैंने देखा उस वक्त, मैंने उसका क्लिप फिर जमान बाद में में एक उतार दिया चीज है दिखा यूट्यूब रहे हो। पर। जी अच्छा जी तो बात करें, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी भी। अच्छा, मैंने ना वो मूवी बना के उस वक्त, यानी कि ना ओ डायमंड, मैंने मुझे पहचानी है मिला है तुम्हें, कल। वाओ क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। हाँ आप खुद डायमंड हो भाई, आप तो खुद नहीं डायमंड यार, मैं आज बीवी को शो मारूंगा, मैं तो तुम्हें डायमंड दे रहा हूँ। हो। मुझे अच्छे अच्छे काले अच्छा मैंने देखा मिलेंगे। वो, उसमें मैं बड़ा स्मार्ट था यार 10 साल पहले ना, इतनी बात तो नहीं है 8 साल पहले की, मेरे ख्याल 8 साल पहले की, पेंट कोट मैंने पहना, वो पैसे लुटा रहा हूँ ना शादी पे, धड़ 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 धड़। अच्छा मैंने कहा यार मैं काफी चेंज हो गया, अभी मैं मोटा हो नहीं गया हूँ। असल में वक्त बड़ा चेंज कर, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, माइंड पे और अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखें। जी जो लोग अपनी बॉडी पे और अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं ना, वो हमेशा स्मार्ट रहते हैं। आपको पता है, मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मैंने दो तीन चीजें, मैं बैलेंस फूड खाता हूँ, मैं सुबह भागता हूँ, मैं जिम शिम नहीं जाता। मुझे जिम शिम वो डोले, क्योंकि मेरा काम ही इतना अच्छा है कि उसके अंदर ना डोले ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं भागता हूँ। और फिर दूसरा ये है कि मैं काम पे बिलीव करता हूँ। दूसरा मैं रात को अच्छा सोता हूँ, मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ, 10-11 बजे सो जाता हूँ। सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ घूमता शूमता हूँ, और फिर मैं अपना दिन भरपूर शुरू करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि
अपने इर्द गिर्द डिलाइटनेस पैदा करूं, मतलब कि लोगों के साथ बैलेंस रहूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं हम्बल रहूं, सही किसी को अपनी अपनी बातों से या किसी को बुली ना करूं, किसी को तकलीफ ना दूं। मैसेजेस जरूर पढ़िएगा, अस्सलाम वालेकुम। यार, कोशिश तारा बजे आज तारा बाजी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा। अच्छा, सुने फैजान ने फोन किया था आपको? नहीं नहीं सही भाई, है। फैजान को कर लेंगे, कोई बात नहीं। वो फैजान एक का अगर 1 लाख रुपया दे दूं, कितने चावल देंगे? अभी चावल भाई, पता क्या है? बात यह है कि चावल में इतने पैसे डल गए हैं, अभी चावल 67 रुपये हो गया, जो चावल 49 5 हज़ार का था, 49 95 हज़ार का था, अच्छा, और ऊपर जाना है इसने। कोई बात नहीं। चावल फिर भी खाएंगे हम लोग, क्योंकि शादी वो चावल के बात बगैर तो हो ही नहीं सकती। सही है बात भाई, मगर मैं ये कहता हूँ कि यार आखिर गरीब आदमी बेचारे के लिए परेशानी बन गई ना। आवाज आपकी बहुत कम हो गई है। एक मिनट, मैंने कहा गरीब आदमी के लिए तो परेशानी बन गई ना भाई। अच्छा, नहीं, बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद दूसरे फोन फारिग हो जाए ना, तो मैं आपकी फिजान से बात करा देता हूँ। फिजान का वैसे भी आप फिजान के साथ इनटच इसलिए रहे क्योंकि वो बना रहे कॉलोनी पूरी ना, पूरी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है इस्लामाबाद के अंदर। तो क्या पता अगर इस्लामाबाद में आपने कोई घर शर बनाना हो बच्चों के लिए, तो फिजान को कह दीजिएगा, फिजान आपको डील दिलवा देगा ना वो। लेकिन फिजान तो पूरा प्रोजेक्ट बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जुनेद, लव यू ब्रदर। एनीवे, सुनाए आज कहाँ दौलतपुर पहुंच गए? आपकी आवाज बंद हो गई है, आवाज को ऊपर करें। मुझे लगता है ताराबाजी का और रिवार भाई का नेटवर्क आज खराब है। रिवार एक भाई मिनट मैं इधर इधर से, अभी आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है। अब अच्छा, वो हैंड फ्री के, वो ना कल परसों रात सारी रात सफर किया, फिर मंडी देखी, मंडी में बोली पे माल लिया, फिर ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, कल रात मैं 1:30 बजे घर पहुंचा हूँ। अच्छा, फिर सुबह फैक्ट्री चला गया, फैक्ट्री से अभी आया हूँ। बच्चे पार्टी कैसी है? छोटा छोटा हीरो कैसा है? ओ, सोया हुआ है वो ना सुबह उठा, उई पापा आ गए, मम्मा पापा आ गए, वो बड़ा ही अच्छा, मुझे बस मिस करता है, बड़ा प्यार वो बस बना। मैं जब पता क्या कितना मीठा है, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, पापा कहाँ जा रहे हैं? मैं यार इधर जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, आप मुझे भी ले देना साथ। यार बच्चे नहीं जाते यार छोटे। नहीं पापा ले देना आप साथ, देख लेना पापा, फिर आप मेरे पापा नहीं है, दे देना आप मेरे साथ। और मैं कहा यार तू ऐसे ना किया कर, तू मिठिया मिठिया मार के ना मुझे। अरे शुक्र करे वो फिर शरीफ है, मैं तो बाहर जाके जमीन पे जाता था, चाहूंगा ही चाहूंगा, आप नहीं जा सकते, आप अकेले जाते हैं। आप कहते तो मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, एयरपोर्ट, और तो मैं भी वहां परेड करूंगा, कहते तेरी ऐसी कितने कबूतर। वो फैक्ट्री जाते ना उधर खुली जगह खेलने के लिए ना, अच्छा, तो वो कहता है कि चलो जो ना उधर जाके जो वो खेलते हैं फ्रीडम ना मिलता है ना वो। बच्चों को। हाँ वो हमारे मोहल्ले हैं ना, हमारे ना शहर है बिल्कुल, जिधर हम रहते हैं ना उखाड़ा में मोहल्ले हैं, अच्छा, फिर वो जगह नहीं है खेलने के लिए, ग्राउंड नहीं है, वो फिर हम बच्चों जाने नहीं। फिर मेरा बड़ा बेटा है वो सख्त बहुत है, वो खुद भी नहीं बाहर जाता, इनको नहीं जाने नहीं देता, मुझसे नहीं डरते, मेरे बड़े बेटे से डरते, मेरे बड़े बेटे से ये डरती है, मुझसे नहीं डरते इतने। अच्छा, ये कैसी बात, मेरी मेरी वाइफ, मेरी वाइफ मारती है, मैंने नहीं, बच्चों को नहीं कभी मारा, ये बस जब डंडा पड़े मैं कहता हूँ जाने दे, लग जाएगा वो धड़ल धड़ल, वो बहुत
ये मेरा अब्बा तो इज्तिमाही तौर पे मुझे कुटक कुटक लगाता था। अम्मी ने कभी जिंदगी में कभी ना गाली दी, ना उन्होंने कभी करसा, ना उन्होंने मारा। अम्मी ने कभी कभी भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया। बहुत खामोश तबा औरत थी, बहुत मोहब्बत वाली थी, बहुत खूबसूरत थी। अभी जो मैंने ये एक नया वीडियो लगाया ना, ये मेरी दूसरी वालदा साहिबा है, जो अच्छा जो मेरी वालदा है अभी ना, क्यों वो अम्मी तो फोर्थ हो गई थी 2005 के अंदर, जो हमारी अम्मी थी। तो ये हमारी हाँ अम्मी है, लेकिन ये बहुत मोहब्बत करने वाली नेक औरत है ये। माशाल्लाह तो माशाल्लाह बस मैं सर, अल्लाह ने मुझे 10 15 20 माएं दी हुई थी, मेरी चाचियां, मेरी ताइयां, फूफिया, फूफिया मेरा थोड़ी सी ना वो पटेबाज थी। बस नहीं वही ना, मैं तो बच्चों से मैं नहीं मारता, मैं कहता हूँ कि यार ये ना कहें कि हमारा बाप सख्त बहुत है, मैं कहता हूँ यार जितनी देर मैं हूं ना, करो ऐश करो मौज करो। नहीं ठीक है यार, ठीक है। पता क्या, बच्चे बच्चों के साथ हमेशा दोस्ती रखें। मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, हम लोग बैठते हैं, गपशप मारते हैं, कोई पंगा शंगा नहीं है। रात की पड़ी हुई है अपनी बेटी से, उसने मुझे कहा पापा आप ये वो, मैं कहा ओके ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी, कल मैं ये झाड़ प्यार खा के प्यार बैठा हूँ। प्यार प्यार की अच्छा बात कहते हैं, और यही एक चीज है तारा भाजी, जिसके आप बाद पता क्या करें, आप टिकटॉक बंद करें और जाके जितने भी एप्स खुले हुए हैं उनको बंद करें, और उसके दोबारा आके टिकटॉक ऑन करें, और उसके बाद लाइव पे आ जाएं, आपका नेटवर्क ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरा अक्सर ये होता है कि कभी कभार ना इस तरह हो जाए तो मैं ये करता होता हूँ, वो बड़ा एक अच्छा सबब हो जाता है। हाँ अच्छा वो क्या हुआ, कल मैं आ रहा था तो मैंने लाइव ऑन की तो अहमदाद आ गया, तो मैं भावलपुर था उस वक्त, हम गाड़ी में बैठे अच्छा और ड्राइव दूसरा का, मैंने कहा वो देख तेरे गांव में कोई काम है तो बता दे मुझे अभी, ये देख ले ये भावलपुर में मैं घूम रहा हूँ, कोई काम है तो अच्छा बता दे। कहते भाई तुम अच्छा इधर किधर, ऐसे इधर किधर जाएगा, मैं कहा मैं पहुंच जाता हूँ, तू बोल तो कोई काम है तुझे। अच्छा अच्छा उसको नहीं बताना, साथ ही एक वो एक बीबी आ गई, पता नहीं क्या नाम था, तो भाग गया भाई अब ये ना अपना दाद, वो रोने लग गई, मुझे कहती भाई अच्छा मुझे कॉल पे ले, मैंने कॉल पे भाई मैं इससे प्यार करती हूँ ये मेरे बात नहीं करता, मैं मर जाऊंगी ये, मैं कहा बीबी क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें नहीं करते, मैं कहा मैं करता हूँ बात, फिर मैंने इमदाद को व्हाट्सएप पे बात की, मैं कह यार, कहता भाई ये पागल है मैं क्या करूं ये, मैं कह यार चल उसका तू अनब्लॉक कर दे उसे बात कर दे, एक आदमी परेशान है तो क्यों यार उसको तंग कर, कहता भाई ये को तो बताओ, मैं कहा जा यार इमदाद तू दांत को आजकल सबने इग्नोर किया हुआ है, दांत को इग्नोर किया हुआ है। पता नहीं वो बेचारा, उसका पता क्यों नहीं क्या मसला है, नहीं आई डोंट नहीं नो बेचारा। आपको आप कल बात कर रहे थे हम, मैं इमदाद आपकी, कहता यार दुनिया में दो आदमी हैं, एक सबसे पहले वही भाई और एक आप जिनकी बात मैं टाल नहीं सकता, फिर नहीं उसने अच्छा मुझे बाद में बच्चा है, वीडियो आई डिलाइट तो मैंने बच्चा है सब यार, कुछ कह अच्छा दिया। बच्चा है। एनीवे मैं भी बस, रात को बारिश तूफान था, पहले बर्फबारी हो रही थी, फिर उसके बाद क्या नाम है, इरम भाजी सलाम अलैकुम। इरम मेरी भैन कितने हैं, आज आप मैं तेनू अपने भरा ने मिलावा। ये मेरे भरा जमान भाई, ते इरम भाजी अरुण भाई का की हाल है, छोटे बच्चों का की हाल है, ते अज मेरी भैन आ जा। इरम बाजी जो है हमारी छोटी बहन है, यहाँ और रहती है आपकी अमेरिका में, बहन, हमारे घर के साथ ही यही करीब ही रहती है। और मेरी बहन ऐसा अच्छा सबक देती है, मैं तो कहता हूँ कोई आके बहस करे इरम बाजी से, इरम बाजी ने तो फट्टे चुक देने हैं। ये अंदरीना आपकी आवाज एकदम से ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। अंदरीना है, अंदरीना अंदरीना फ्रेंड आपकी कोई, उसने ज्वाइन किया, अंदरीना अंदरीना होला खमुस्ताश, ये मुझे हबीब भाई मुझे के गांव मुझे की है। ग्रासियस, थैंक यू, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। अब
वैद भाई, ये हबीब भाई के गांव की है, हुला अच्छा, हुला। चिली चिली माय सिटी, चिली चिली माय कंट्री, चिली माय कंट्री, चिली ब्यूटीफुल बुनीता, मुचो बुनीता, मुचो मुचो मे तोमो मे तकेरो मे लकेरो। मैं पता क्या करो, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। भाग गई वो, भाग गई। अरे तायरा बात, सिस्टर आई। अरे आ जाओ तायरा, आ गई तायरा, बच्चे आ जाओ आ जाओ। अरे और सुनाए, आप सेहत भी सुनाए, कैसी है आप? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जुमान सलाम। भाई। हाँ वालेकुम हाँ सलाम। तारा, तारा भाई जी, मैं एक बात कह रहा था, मैं हाँ कह रहा बोले। था आपको इनविटेशन भेजता हूँ, इनविटेशन भेजता हूँ अमेरिका से, अच्छा इंशाल्लाह। मैं भेज देता हूँ, कह देता हूँ। ओए मैं कहूंगा, मैं कहूंगी मेरी बेगम की बहन है, अपनी मैं अपनी बहन से मिलने आ रही है, और कि हमारे पास 1 महीना रहेंगी, हम इनको सैर शैर कराएंगे, और इन दो भैनों ने मिले भी साल इंशाल्लाह। हो गए, मिले ही नहीं। क्या होगा, हम लोग ना सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करेंगे ना गोरों को। आप नहीं आ रहे मदीना शरीफ भाई? इंशाल्लाह आऊंगा। अभी पता क्या हो रहा है कि सारी चीजें थोड़ी सी हौच पौच हुई हुई है, मैंने आना है। असल में ये राजी पहुंच गए हैं मदीना मुनवरा में, राजी इस वक्त आजकल बहुत बिजी है। मैं बल्कि उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा था, उनकी कॉल नहीं मिल रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि राजी का दफ्तर बंद हुआ हुआ था 1.5 साल से, तो सारे लड़के, तो 3-4 लड़के यहाँ काम कर रहे थे, बाकी सब चले गए थे। तो वो भी आजकल क्योंकि फारिग थे, तो राजी के ऊपर बड़ा बर्डन था। फिर राजी के वो जो होटल्स वगैरह जिनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, वो सारे के सारे उनके ना पैसे फ्रीज हुए हुए थे, तो वो दोबारा से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट वो करने हैं, क्योंकि उमरा और अपना हज का काम शुरू नहीं हुआ। उनका काम ही ये है ना कि वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से और अफ्रीका से लोगों को लेके आते हैं हज के लिए, वहां पर पूरे पूरे पैकेजेस देते हैं। तो उनका पार्टनर भी 2-3 साल पहले फोत हो गया था, वो हेलीकॉप्टर के हादसे में, जो शहजादा फोत नहीं हुआ था, वो मेरे भाई का पार्टनर था। तो अब उनकी बेगम और उनके जो ये अपना जो शाह के भाई हैं, वो उस बिजनेस को चला रहे हैं, जो इस वक्त इसका सऊदी अरब का जो इस वक्त वो है किंग है, उसका भाई है ना वो, जो इनका जो शहजादे, वो शहजादा चाचा लगता, शहजादे का चाचा लगता था। तो अब ये है कि राजी दोबारा से सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो गई थी 1.5-2 साल के अंदर। मेरा ख्याल दायरा सिस्टर भेजे, लेकिन इनका नेट का मसला है। तो वो मेरा ख्याल है उनका नेटवर्क आज बहुत तंग कर रहे हैं, अल्लाह करे उनका नेटवर्क ठीक हो, ठीक हो। बस जमान भाई, मैं भी अभी नाश्ता वाश्ता करूंगा, अल्लाह का नाम लूंगा, और आप खुश रहें, और जब आपका दिल चाहे बात करें, मैं फैजान को कहूंगा, वो आपसे आज बात कर लेगा इंशाल्लाह। फैजान से बात कीजिएगा, फैजान अच्छा लड़का है, वो इस वेरी वेरी हम्बल। अच्छा, मैं वो ये ना कि मेरे को दोस्त होते हैं ना बिजनेसमैन, वो उधर उनको कहेंगे, अगर उन्होंने उधर को देते ना, मैं भी उनका हाँ, इधर वो फिर एडवर्टाइजिंग करूंगा दोस्तों के साथ। और दूसरा फैजान का, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत बड़ा वो उसका है ना, उसका काफी बड़ा नेटवर्क है ना उसका, क्योंकि वो सऊदी में ही था, वो फिर आ गया था साल पहले ना। तो एनीवे, कहते ना, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, रास्ते बनाता है, सारा बिल्कुल कोशिश करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मगर भाई पता क्या बात यह है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इधर से करें काम, चावल का एक कंटेनर का कर लें एक्सपोर्ट का। आपको अगर चस्का ये पड़ गया ना, सारे काम छोड़ दो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो मैं कर दूंगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर लूंगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरा काम इतना इंटरेस्टिंग है, इतना काम अच्छा। कल मैंने रेस्टोरेंट खरीदा, पूरा सामान ना, पूरा रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह उसके चूल्हे और ये और बड़े बड़े शैंडिलियर और ये हाँ। वो खरीदे हैं। तो अभी वो उसका टिया पाचा करना है आज जाके। नहीं
नहीं ये काम आप करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा एक कंटेनर का करें तो चले उससे कर जो है लेंगे, ना कोई आप, मसला नहीं। पहले तो आप जब नहीं पाकिस्तान आएंगे ना, मैंने तो उस वक्त कराऊंगा आपको जब आप पाकिस्तान आएंगे उसके बाद, क्योंकि आप वो तो मुझे प्राइस फिक्स दे देना, एक कंटेनर की क्या प्राइस है, मैं फिर उसका वर्कआउट करता हूँ मैं। एक कंटेनर और से बताइए वो मतलब कितना, कि कितना क्या, एक एक डिटेल में लेंगे 22 ना। टन हो, देखिए 22 से 26 टन हाँ होता है एक एक कंटेनर के अंदर, ठीक है मैं ना। सुबह सारी तो आप वो मुझे बता खाना दें 22 टन। कि ये आप प्राइस होगी, ये क्वालिटी होगी, ये चावल होगा, वनस्पति चावल होगा, ये होगा वो होगा, उसकी प्राइस ये होगी। ताकि पता है क्या, मैं बिलीव करता हूँ स्पॉट डील के ऊपर। स्पॉट डील समझते क्या होती है, कि आप पैसे दे के माल उठाएं। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास जो आता है मैं कहता अच्छी हूँ भाई बात है, पैसे अच्छा पहले फिर रखो, उसके बाद सामान डालो कंटेनर में ले जाओ। क्योंकि स्पॉट डील में ये होता है कि आप रात को आप ही सुकून से सोते हैं, और जिससे आपने माल खरीदा होता है वो भी सुकून से सोता है, क्योंकि आपके मामला क्लियर हो गए होते हैं ना। वही। भाई पता क्या है, मैं ये चाहता हूँ ना कि अमेरिका में आप जब आपका कंटेनर जाए ना, जिसको भी आप दें लोग आपके पीछे भागें कि यार मुझे दो कंटेनर दे के दो, वो दे के असल दो, में वो यहाँ दे के पे दो। एक साहब है, मैं आपको मैं ऐसी बता चीज देता तैयार हूँ, जो करता हूँ। सबसे बड़ा काम करते हैं, उनका नाम है वही प्राचा, उनकी कंपनी का नाम है बेस्ट फूड, आप ऑनलाइन देख लेंगे। वो क्या करते हैं, चावल हो गया, आटा हो गया, मिर्चें, मसाले, नेशनल, ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर मसाले बनते हैं, यहाँ पे पूरे इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं, उनके कम से कम हर हफ्ते में 8-10 कंटेनर आते हैं, मतलब हर वक्त उनके बड़े वाले कंटेनर लगे होते हैं। तो यहां से पहले वो क्या करते थे, रद्दी अखबार भेजते थे पाकिस्तान। अब क्योंकि वो मामला खत्म हो गया है, तो अब वो नहीं करते, लेकिन ये है कि उनके साथ, क्योंकि वो है मेरे दोस्त बड़े अच्छे, तो मैंने एक दफा उनको चावल बेचा था। मेरे पास एक कोई कंटेनर आया था, बहुत बड़ा कंटेनर था, और जो बड़ा कंटेनर होता है जिसमें ज्यादा राइस होते हैं, तकरीबन चालीस हाँ डबल पचास टन कंटेनर, होते डबल हैं होता है, डबल डबल कंटेनर। क्या डबल होता हुआ था कि उन्होंने मुझसे खरीदा था, अच्छा मुझे चावल की प्राइस पता नहीं थी, तो जाहिर है मुझे तो ऑक्शन में था, क्योंकि वो जो सीज हो जाते हैं कंटेनर वहां है। पोर्ट के ऊपर, तो मैंने वो खरीदे हाँ थे। जी जी तो उसमें वो फिर मैंने पूरा कंटेनर उनको औने पौने में बेच दिया था। तो वो मुझे अब भी जब भी मिलते हैं किसी पार्टी में किसी का, वही चावल आए तो बताओ, चावल आए तो बताओ, चावल आवे तो बताओ, कह यार चावल नहीं आया हुआ। तो अभी आया था मेरे पास चावल, लेकिन एक्सपायर्ड चावल था। तो वो फिर मैंने ये जो अपने मेरे एक दोस्त थे, वो ये परिंदों को डालते हैं ना वहां पे जमीनों में, परिंदों को फेंकते हैं जिसको हाँ कहते हैं, कि वो फिर वो चावल उनको बेचा था मैंने। नहीं आप ना ऐसे ना कि जब आप ये चीजें दोगे ना तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको लोग बहुत तंग करेंगे, क्योंकि हमने चीज वो बना के भेजनी है चले इस पे ना जो हम लाए इस तरह हैं। करते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चावल की बात करके जो भाग गए हैं लोग। कोई बात नहीं होता है ऐसा, तीन बड़े बड़े बैग, चैनल। एक मैं, एक आप और एक तारा से, तीन तो चले बैग। बाद में फिर लाइव शुरू करते हैं, मैं भी जाके देखूं, जरा छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, आपसे बाद में इंशाल्लाह बात होगी। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, ओके। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ पे आने वाले सारे भाई, लव यू, थैंक यू, खुदा।